नमस्कार दोस्तों, कारपोंट हिंदी के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश और दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक सामान्य सी जानकारी देने जा रहा हूँ जेक के बारे में। जब आपकी कार पंक्चर हो जाती है दोस्तों, तो आप जब जेक लगाते हैं अपनी कार में, तो उसको लगाने का सही तरीका क्या है, आपको किस जगह पे जेक लगाना चाहिए, इस बारे में मैं ये जानकारी देने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो ये ऑल्टो K10, ऑल्टो 800 के लिए है और बाकी कारों में भी ऐसा सिस्टम दिया जाता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, आपको जो जेक मिलता है वो इस तरह का मिलता है। मान लीजिए आपका पीछे वाला टायर पंक्चर होता है, देखिए पीछे का टायर है ये। तो एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप जब जेक लगाते हैं, कई लोगों को ये सही जानकारी नहीं होती है कि किस जगह जेक लगाना है। जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आपको यही बताना है कि आपको जेक प्रॉपर किस जगह पे लगाना है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। जब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर दो डॉट दिख रहे हैं दोस्तों, ये डॉट डॉट ये डॉट, उसके बीच में एक डॉट है। ये तो डॉट पूरे जगह मिलेंगे आपको, देखिए पूरी कार की नीचे की ये साइड बॉडी में मिलेंगे। तो ये जो डॉट है बड़े वाले, जो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, देखिए ये दिख रहे हैं दोनों उभरे हुए, बाकी सब अंदर की साइड है ये। तो जो उभरे हुए डॉट है दोस्तों, उसके बीच में आपको इस तरह से जेक लगाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से उभरे हुए डॉटों के बीच में लगाना है जेक। इसको मैं टाइट करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से। इस तरह से लगने के बाद आपका जेक ऊपर करना है आपको, जेक चढ़ जाएगा। ठीक है, जेक चढ़ने के बाद दोस्तों हुआ क्या, अंदर से इसमें दो लॉक टाइप के दिए गए, एक इस तरफ से दिया गया है और एक इस तरफ से दिया गया है। तो अब होगा क्या दोस्तों, ये जेक आगे पीछे देखिए, अभी लूज है तो बाहर नहीं निकलेगा, ना इधर सरकेगा ना इधर सरकेगा ना इधर सरकेगा। अगर इसको पूरा टाइट कर देंगे तो ये गाड़ी को एक तरह से पूरी तरह थाम लेगा, लॉक हो गया है मतलब जेक। ठीक है, तो ये इसका जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो ये है, ये दोनों डॉट हैं जो उभरे हुए, यहाँ पर आपको जेक लगाना है पीछे की तरफ। और अगर आगे की तरफ की बात करते हैं, तो आगे की तरफ भी दोस्तों इस तरह के डॉट दिए गए हैं दो, देखिए आगे की तरफ जो डॉट दिए गए हैं वो ये दिया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है उभरा हुआ, बाहर की तरफ दिया गया है एक पॉइंट है ये, यहाँ पर आपको जेक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आपको जेक लगाना है अपनी कार का, तो उससे कार आपकी बिल्कुल संतुलित होकर ऊपर उठ जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। अब मैं आपको अंदर की तरफ से दोस्तों दिखा देता हूँ कि जेक लगाने के बाद ये किस तरह से लॉक होता है। चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अंदर की तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो पत्ती है और एक इस तरफ से जो पत्ती है, इसके बीच में आपका जेक फंस गया है। देखिए अब मैं इसको उतार के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं जेक उतार देता हूँ तो देखिए क्या होता है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दिए देते हैं जिस पर गाड़ी का पूरा लोड आपके जेक पर जब आएगा बॉडी का, तो उसके लिए एक पॉइंट दिए हैं जिसमें आपका जेक फंस जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए ये पॉइंट दिया गया है, इसके बीच में यहाँ पर आपका जेक फंसता है, ये पॉइंट दोनों तरफ दिया गया है, और ऐसे ही आगे की तरफ आपको बिंदु एक दिया गया है, उस पर आपको जेक लगाना है। अब चलते हैं बाहर। तो मैंने आपको बता दिया, ये जो डॉट है दोस्तों यहाँ पर इस तरह से जेक लगेगा आपका। ठीक है, और आगे के लिए भी मैं दिखा देता हूँ आपको, करके दिखा देता हूँ। चलते हैं आगे की टायर की तरफ। तो अब हम आ गए हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी देखिए दो डॉट दिए गए हैं, एक डॉट ये दिया गया है, एक डॉट ये दिया गया है। इसमें भी दोस्तों वही उसी तरह का लॉक सिस्टम दिया गया है, आप इसको जेक को इस तरह लगाना है यहाँ पर। देखिए इस तरह से लगाने के बाद जेक को आपको ऊपर उठा देना है, यानी कि दोनों तरफ उभरे हुए डॉट दिए गए आगे और पीछे, उनके बीच में आपको जेक इस तरह से फिक्स कर देना है। ये फिक्स हो गया, अब ये आगे पीछे कहीं नहीं सरकेगा। ठीक है,
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको अपनी कार में जेक कहाँ लगाना है। ये चीज़ केवल ऑल्टो और ऑल्टो 800 के लिए नहीं, ऑल्टो K10 और ऑल्टो 800 के लिए नहीं है, ये सभी कारों में ऐसा सिस्टम दिया जाता है। ज़्यादातर कारों में ऐसा सिस्टम दिया जाता है, कुछ कारों में थोड़ा अलग सिस्टम होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।